इंदौर राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक महिला फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की थी। वहीं मंगलवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला द्वारा आत्महत्या करने का खुलासा हुआ है। घटना राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र के नाथ मोहल्ला की है, जहां रहने वाली पूजा नामक महिला की मौत होने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। मृतिका के पति ने बताया कि उसने फांसी लगा ली थी, जिसे उसने खुद फंदे से उतारा। साथ ही पुलिस को पति पत्नी के बीच विवाद की बात भी पता चली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने महिला की मौत को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की थी। साथ ही महिला के परिजनों द्वारा हत्या की आशंका जाहिर की गई थी। CSP BPS परिहार के अनुसार बुधवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महिला द्वारा आत्महत्या की गई थी। हत्या जैसी कोई बात इस प्रकरण में सामने नहीं आई है, हालांकि मामले की जांच जारी है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। कल एक पूजा पति संजय है, नाथ मोहल्ला है, वहाँ एक महिला की डेड बॉडी पाई गई थी, जिसमें बाद में जानकारी पता चली तो उसमें ये हुआ कि वो रात में उनका आपस में विवाद तो हुआ था और तीन बच्चे हैं उसके घर में ही रहते हैं। विवाद के बाद पहले ये आशंका जब तो जाहिर हो रही थी कि हो सकता है उसने मार के लटका दिया हो, लेकिन पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें ये पाया गया कि महिला सुसाइड की है, फांसी लगाई है। उनके परिजन जो है लड़की के माँ बाप वगैरह वो आरोप लगा रहे थे कि इसकी हत्या की गई है। हम लोग वो परेशान करता था, थोड़ा पीते नशे चाहिए पीने पाने में, रात में कल भी कहीं से आया था बाहर से और कुछ आपसी विवाद हुआ और इनका हुआ था, हो सकता है कि महिला आक्रोश में आके गुस्से में कर ली। जांच करके मुकदमा कायम कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।